अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर एक टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि फ्लूइड के वेलोसिटी को मेजर करता है यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक है हम लोग डिटेल में समझेंगे किस तरह से अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर वर्क करता है इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे सपोज कोई लार्ज डायमीटर का पाइपलाइन है जिससे लिक्विड फ्लो कर रहा है एंड अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर की हेल्प से इस पाइप में फ्लो करने वाला जो फ्लूइड है और लिक्विड है उसके प्रेशर एंड वेलोसिटी को मेजर करना है पाइप के अपर एंड लोअर पोर्शन के साथ इनक्लाइंट पोजीशन में अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर को कनेक्ट करते हैं लोअर अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर के साथ इलेक्ट्रॉनिक ओसिलेटर कनेक्ट रहता है जिसके थ्रू पावर सप्लाई करते हैं एंड अपर अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर जो है वो वेव्स को रिसीव करके डिफ्लेक्टर में शो करता है इसमें दोनों अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर जो है वो ट्रांसमीटर एंड एज वेल एज रिसीवर दोनों की तरह बिहेव करेगा इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले अल्ट्रासोनिक का मतलब समझ लेते हैं नॉर्मल साउंड जो हम लोग सुन सकते हैं उसको सोनिक बोलते हैं जिसका रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक होता है मतलब नॉर्मल इंसान का हियरिंग कैपेसिटी जो है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है 20 हर्ट्ज से कम साउंड हम लोग नहीं सुन पाएंगे एंड ट्वेंटी किलो हर्ट से ज़्यादा साउंड होगा उसको सुनने का कैपेसिटी नहीं होता है ट्वेंटी किलो हर्ट से ज़्यादा अगर साउंड सुनने का कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हियरिंग लॉस हो जाएगा सो ट्वेंटी टू ट्वेंटी किलो हर्ट्स को सोनिक बोलते हैं एंड ट्वेंटी किलो हर्ट से ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा साउंड फ्रिक्वेंसी है अल्ट्रासोनिक साउंड का फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो ट्वेंटी किलो हर्ट्स टू टू हंड्रेड मेगा हर्ट्स तक होता है एंड टू हंड्रेड मेगा हर्ट से भी ज़्यादा अगर हम लोग अगर साउंड फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं सो so, इस सिस्टम में हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड जिसका फ्रिक्वेंसी रेंज ट्वेंटी किलो हर्ट्स टू टू हंड्रेड मेगा हर्ट्स तक हो सकता है जनरली अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर का यूज लार्ज डायमीटर पाइप्स में फ्लो करने वाले लिक्विड का जो फ्लो रेट होता है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है लाइक वन मीटर और टू मीटर तक डाया वाला जो पाइप्स रहता है उसमें फ्लो करने वाले लिक्विड का वेलिसिटी अगर मेजर करना तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं इस सिस्टम में दो ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं दैट इज़ टी एंड टी दोनों ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर के तरह भी काम कर सकता है मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों की तरह भी हेप कर सकता है T1 वन डिटेक्टर के साथ कनेक्ट है एंड जो T2 है वो इलेक्ट्रॉनिक ओसीलेटर के साथ कनेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक ओसीलेटर में जब सप्लाई देंगे तो ट्रांसमीटर T2 ट्यूब के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी वेव प्रोड्यूस करता है और बोल सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है ट्रांसमीटर T1 जो है उस वेव को रिसीव करता है एंड डिटेक्टर में सिग्नल सेंड करता है इसमें दूसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि T1 वन वेब प्रोड्यूस करेगा एंड T2 टू रिसीव करेगा क्योंकि दोनों ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर की तरह बिहेव कर सकता है दोनों ट्रांसमीटर इन क्लाइंट वे में कनेक्टेड है सो so, सपोज अगर ट्यूब में वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो T1 से अगर वेब प्रोड्यूस होगा एंड लिक्विड फ्लो का जो डायरेक्शन होगा दोनों तो का सेम होगा एंड अगर ट्रांसमीटर टी टू प्रोड्यूस करेगा तो वहाँ पर ओपोजिट डायरेक्शन होगा नाउ इसके वर्किंग को समझते हैं सपोज इनिशियली ट्यूब के अंदर कोई फ्लूड फ्लो नहीं कर रहा है एंड ट्रांसमीटर टी वन एंड टी टू के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल है टी टू जो वेव प्रोड्यूस करेगा उस वेव को टी वन तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको टी टू वन बोल रहे हैं एंड अगर टी वन वेब प्रोड्यूस करेगा तो उस वेव को टी टू तक आने के लिए जो टाइम लगेगा उसको टी वन टू बोल रहे हैं इनिशियली जब इस ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में टी टू वन इज इक्वल टू टी वन टू होगा मतलब दोनों ही साइड इक्वल टाइम लग रहा है टी वन से टी टू या फिर टी टू से टी वन तक वेब को ट्रेवल करने में लेकिन अगर ट्यूब में कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो क्या होगा उसको देखते हैं सपोज़ ट्यूब के अंदर अगर वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस टाइम टी वन जो वेव प्रोड्यूस करेगा वो टी टू तक फास्टली पहुँचेगा कंपेयर टू टी टू T1 से प्रोड्यूस होने वाला वेव जल्दी इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि वाटर फ्लो का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में T1 से प्रोड्यूस होने वाला वेव का भी डायरेक्शन है दोनों का इक्वल डायरेक्शन है लेकिन ट्रांसमीटर T2 अगर वेव प्रोड्यूस करेगा तो वहां पर फ्लो ऑफ वाटर के ओपोजिट में वेव का डायरेक्शन होगा इसलिए टी से टी तक वेव को पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा सो बोल सकते हैं T2 टू वन को पहुँचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब T2 में जो प्रोड्यूस हो रहा है T1 तक जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा जबकि T1 में प्रोड्यूस होकर T2 में जा रहा है तो वहाँ पे जल्दी पहुँचेगा T2 टू वन के केस में अगर वन सेकेंड लग रहा है तो T1 में प्रोड्यूस होने वाला वेव T2 तक जाने में ज़ीरो पॉइंट एट सेकेंड लगेगा जहाँ पर जीरो पॉइंट टू सेकेंड का डिफरेंस हो रहा है जब वाटर फ्लो का वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो डिफरेंस भी बढ़ेगा एंड उस टाइम डिफरेंस को एक ट्रांसमीटर रिसीव करेगा एंड एग्जैक्ट फ्लो ऑफ फ्लूड को कैलकुलेट करेगा देन जो डिफ्लेक्टर है वो टाइम डिफरेंस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी को शो करता है मतलब बोल सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर जो है वो टाइम डिफरेंस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर एक्टिव ट्रांसड्यूसर हम लोग क्या बोलेंगे जो सेल्फ जनरेटेड होगा उसमें तो अलग से एक्सटर्नल सोर्स नहीं देना पड़ेगा उस टाइप के ट्रांसड्यूसर को हम लोग एक्टिव ट्रांसड्यूसर बोलेंगे लाइक थर्मोकपल कपल टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में जैसे ही आता है तो उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है दूसरा है सोलर पैनल इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर उस टाइप का ट्रांसड्यूसर जिसमें एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड होती है पैसिव ट्रांसड्यूसर में एल भी आएगा एल में ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं उसको ऑपरेट होने के लिए एक्सटर्नल सप्लाई की नीड होती है तो इस टाइप के ट्रांसड्यूसर को हम लोग पैसिव ट्रांसड्यूसर बोलेंगे उसी तरह आर टी डी दैट इज रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर वो भी एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है ऑल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर के ऊपर पर्टिकुलर लेक्चर अपलोडेड है इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम वाले प्लेलिस्ट पेज पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर उस टाइप का ट्रांसड्यूसर जिसमें सेंसर को एज प्राइमरी यूज करते हैं एंड ट्रांसडक्शन को एज सेकेंडरी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर जब एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल सिग्नल को अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलेंगे जिस डिवाइस से कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलेंगे एंड अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस डिवाइस को हम लोग इनवर्स ट्रांसड्यूसर बोलेंगे इन्वर्स ट्रांसड्यूसर को नॉन इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर भी बोला जाता है आर का डिफरेंट अप्प्लीकेशन हो सकता है लाइक आर सेंसर का यूज़ ऑटोमेटिक्स में किया जा सकता है टू मेजर इंजन टेम्परेचर इसके हेल्प से हम लोग इंजन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं इसका यूज़ कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में एम्पलीफायर्स एंड ट्रांजिस्टर्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कर सकते हैं तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें